हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी के बारे में, और जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट मैं दूंगा उस ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से आप बॉन्ड एनर्जी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली, करेक्टली एंड विद इन वन मिनट में कर लोगे। तो ध्यान से देखो, तीन ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव गिवन है तो इसका मतलब डिसोसिएशन एनर्जी गिवन आपको, डैट मीन्स जब बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो तो वो एनर्जी गिवन है, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स है। अगर कहीं पे बॉन्ड एनर्जी निगेटिव वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, डैट मीन्स बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर वन वेरी सिंपल है। पॉइंट नंबर टू कि किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी हम बॉन्ड एनर्जी के इन्फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते थे, कंबशन से निकाल सकते थे, और एक और है कि बॉन्ड एनर्जी का अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो उससे भी निकाल सकते हैं, और वो वेरी सिंपल है। डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान देंगे पहले रिएक्टेंट का लेना आपको, इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, जितने भी रिएक्टेंट है सबके जो बॉन्ड बने हुए उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी और उसका स्टोइकोमेट्री को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फेज चेंज, अगर कहीं पे फेज चेंज वगैरह हो रहा हो तो उसको भी लेना है। रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन, क्योंकि जो भी बॉन्ड फॉर्म होंगे या डिसोसिएट होंगे तो वो आइसोलेटेड गैसियस फेज में होना है। बस इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे गलती होती है बच्चों से कि कभी भी बॉन्ड को फॉर्म करना हो या बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम, वो एलिमेंट किस में होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सॉलिड उलिड में है कोई, कोई लिक्विड में, तो उसको गैस में लाना पड़ेगा, इसलिए फेज चेंज वाली एनर्जी को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। सेम वही चीज माइनस करना आपको प्रोडक्ट में अब करना है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, प्लस अगर प्रोडक्ट में कोई ऐसा सॉलिड या लिक्विड वाला है तो उसका फेज चेंज एनर्जी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, समझ गए बात। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस पे बेस एग्जांपल बताओ सर। तो फॉर एग्जांपल एक मैंने ये लिया, C2H4 प्लस H2 गिव्स यू C2H6। बाय द वे अभी ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में और ये भी गैस फेज में, इसलिए यहाँ पे फेज चेंज वाली एनर्जी नहीं आएगी। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में होता तो वो भी आ जाता। नाउ कैसे करना है, तो सिंपल इस टाइप के बॉन्ड एनर्जी पे बेस कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आप उसके पूरे खानदान वालों को दिखा दो, बात समझ गए मेरी, मतलब उसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना दो जिससे आपको पता लगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 4 CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 CH बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगा, तो वो होगा, प्लस एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो वो भी, ये हो गया, प्लस रिएक्टेंट में ये भी है, एक HH बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करना पड़ेगा तो वो भी। रिएक्टेंट के सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी आपको जरूर गिवन होगा, और कितना बॉन्ड ब्रेक करना उसको मल्टीप्लाई करना, और इनटू में अगर मान लीजिए कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो वो भी मल्टीप्लाई होता। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड का, माइनस प्रोडक्ट में ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 CH बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसलिए 6 × 1 CH बॉन्ड की एनर्जी, और एक CC बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा तो 1 CC बॉन्ड एनर्जी, तो इसको माइनस कर देंगे तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी आ जाएगा। यहाँ पे सब गैस फेज में था इसलिए कोई फेज चेंज वाला नहीं आया। अब स्मार्ट वे ऐसा है कि ध्यान से देखो, 4 CH बॉन्ड इधर आप लेते और 6 CH बॉन्ड इधर आपको लेना पड़ता, तो स्मार्ट तरीका ये है टाइम बचाने के लिए कि ये माइनस हो जाएंगे तो 2 इसका CH बॉन्ड बच जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ना लिख करके इसको लिखते, सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी प्लस 1 HH बॉन्ड की एनर्जी, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे माइनस, चूँकि 4 ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका 2 बच जाएगा, तो 2 CH बॉन्ड की एनर्जी और 1 CC बॉन्ड की, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड कॉमन हो तो डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करके ही पहले लिख लेना, बट ध्यान रहे ऑलवेज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ये ध्यान देना। जैसे कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ओनली फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। नाउ नेक्स्ट एक उस टाइप का भी एग्जांपल लिया, जैसे C प्लस O2 गिव्स यू CO2, तो वी नो CO2 गैस में होगा, O2 गैस में होगा, लेकिन कार्बन सॉलिड में होगा, राइट। तो अब अगर मुझे इस रिएक्शन का इंथैल्पी लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रहे कार्बन सॉलिड में, तो इसको मुझे
गैस में ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए सब्लिमेशन एनर्जी वाला लेना पड़ेगा फेज चेंज। रिएक्टेंट का प्लस ऑक्सीजन का आपको दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो ओ बॉन्ड, राइट। तो ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट में CO2, राइट। तो आपको दो सी डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो टू टाइम्स ऑफ CO। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है इस तरीके से करना। तो अब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में A2B2 gives you 2AB और इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF गिवन है माइनस में 200 किलो जूल पर मोल। AABB और AB का बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवन है 1.51, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 बताना है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, उसको पता भी नहीं लगता कि क्या मिस्टेक हो रहा है। पहला चीज, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है बेटा आपको, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया था, 1 मोल के लिए। यहाँ कितना मोल बनाया, ये 2 मोल्स, बस ये पॉइंट का ध्यान रखना है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ये चूंकि 2 मोल्स बना है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी AB है वो, तो वो, तो इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ 200, दैट इज माइनस में 400, क्योंकि माइनस था किलो जूल पर मोल पहले। तो आपको ये, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मेशन में ही रहने देना है तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, हाफ A2 हाफ B2 गिव्स यू AB। तब इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB के बराबर है, डेट इज माइनस में 200 गिवन है। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर आपने हाफ से ये किया तो इसको भी हाफ करना चाहिए। बेटा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है, ये रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं है। तो हमने फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग ये यही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है। ऐसा नहीं कि मैंने हाफ से डिवाइड किया तो आप भी कर देंगे, राइट। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, ये फॉर्मेशन गिवन है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के भी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। नाउ एक और क्वेश्चन की, सर ये कैसे पता लगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ध्यान से देखो, अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखता तो कैसे लगता, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा HF फॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन है, AB, और माइनस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2B2, चूंकि ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इनका जीरो होगा। फॉर एग्जांपल आप इसको क्या मान सकते हो, H2Cl2 gives you 2HCl, तो इसका जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 का इंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो बता रखा हूँ, Cl2 का जीरो, क्योंकि नेचर में ये अबंडेंट फॉर्म में, इसी फॉर्म में मिलते हैं, और ये 2 मोल्स HCl है, तो ये रिएक्शन के इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल करना है, तो इसलिए वो चीज़ हमने किया। अब अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम ही है बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवन है, मान लेते हैं कि वो रेशियो कॉमन फैक्टर x है, तो क्या लिखोगे, A की बॉन्ड एनर्जी में x प्लस x बाई 2 क्योंकि 0.5 है, राइट, माइनस में ध्यान देंगे 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी ध्यान देंगे, माइनस में 400, तो यहाँ से x आ जाएगा आपको 3x बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस में 400, तो यहाँ से माइनस में x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 400, तो x आ गया आपको 800, तो ये आंसर होगा आपका। एक तो ऐसे करने का तरीका है, या फिर फॉर्मेशन से कर दो तो फिर ये वाली रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन है, राइट। ये डायरेक्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं गया हूँ, लेकिन ध्यान देना कि इन्फॉर्मेशन मुझे फॉर्मेशन का गिवन था, इसलिए उसको 400 करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन की इंथैल्पी 400 हो जाएगी। और अगर फॉर्मेशन से जाएंगे तो देख लो, x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर से x बाई 2 तो था ही 0.5 को, और फिर 2 हाफ, तो x बाई 4 माइनस में x बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 200, तो x बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 200, तो यहाँ से भी x कितना आएगा आपको, 800। तो कैसे भी करो आएगा वही, बट वही सब पॉइंट है कि इस चैप्टर में जो गलती होने के चांसेस है कि क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड नहीं किया, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में C2H6 गिव यू C2H4 प्लस H2, डेल्टा H रिएक्शन का बताना है और सारे बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया कि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 6CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे 4CH बॉन्ड, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली कर लूँगा, 2CH बॉन्ड बचेगा, तो डेल्टा H रिएक्शन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2CH बॉन्ड मेरे को चाहिए, राइट, और 1CC बॉन्ड चाहिए,
इन सब को ऐड कर लेना माइनस प्रोडक्ट में अब आपका 1C डबल बॉन्ड C, क्योंकि वो 4 CH खत्म हो गए, और प्लस में 1 HH बॉन्ड, सब आपको गिवन होगा, आप कर दो 2 × 1 CH बॉन्ड देख लो 414 प्लस CC बॉन्ड आप देख लो 347 माइनस आप C डबल बॉन्ड C देख लो 611 और प्लस 1 HH बॉन्ड आप देख लो 436। तो ये ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा आपको 1175 और माइनस ये आ जाएगा 1047 दैट इज 128। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू और टू कैलकुलेट CH बॉन्ड एनर्जी क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला था आपको, क्या बोला था, आप रिएक्शन लिख दो CH4 किस फेज में मिलेगा, गैस फेज में, फॉर्मेशन उसका 1 मोल, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट वाला, और प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 गैस। तो ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। अब इसका गिवन है आपको, बोल रहा है कि टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, डेट मीन CH4 आपका ऐसे होगा, तो 1 CH बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन है यही इस रिएक्शन की एंथैल्पी भी हो गई। कैसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू, ये अगर इसका 1 मोल फॉर्म करना है ये तो 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, हाइड्रोजन नेचर में अबंडेंट फॉर्म है और कार्बन ग्रेफाइट लेना है, राइट। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के थ्रू। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे फेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड में, और हमें किस में चाहिए, गैस में, तो सब्लिमेशन चाहिए प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे, इधर लिख रहा हूँ मैं कार्बन का सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट का हो गया माइनस में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी। तो और दिस इज इक्वल टू, बाय द वे ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, ये HH 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू आपका जो गिवन था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो ये और ये मालूम होगा तभी मैं ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्वल के उस साइन तो मालूम है, माइनस में 74.9 है। तो क्या क्या चाहिए, सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्लिमेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं गलत हो जाएगा, और आयनस एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन टू यू, HH बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, NN बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, तो NH बॉन्ड की एनर्जी बताना है। तो पहले तो अगेन फॉर्मेशन है तो उसका फॉर्मूला लिख दो, आपको क्या करना पड़ेगा, NH3 बनाना है गैस वाला और 1 मोल इसका, राइट। ये ध्यान रहे इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो N2 तो लोगे बट एक ही नाइट्रोजन लेना है तो हाफ इधर करना पड़ेगा, H2 3 चाहिए तो H2 को 3/2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन भी हो गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ NH3 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा फॉर्मेशन, और इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये नेचर में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया, और ये कितने के बराबर है, माइनस में 46 किलो जूल पर मोल। अब अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता लग गया है तो मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ध्यान देना, तो 1/2 टाइम्स ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी, और दिस माइनस आपको 3 टाइम्स ऑफ 1 NH बॉन्ड की एनर्जी जो निकालना है, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस में 46। यहाँ पे ध्यान रहे कि चूंकि बॉन्ड एनर्जी निकालना है हमें देना पड़ेगा एनर्जी, तो प्लस वाला होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट है। ध्यान दें यहाँ पे जो आपको HH बॉन्ड का माइनस गिवन है तो आप माइनस में मत पुट करना, क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा तो प्लस लेना है। यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए उसने फॉर्मेशन वाला गिवन है, तो अगर HH को फॉर्म करने में 436 लगता है तो ब्रेक करने में क्या हो जाएगा, 436 ही, राइट, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है 712, माइनस मत पुट करना, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ HH आपको गिवन है 436, माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका मान लेते हैं जो निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस 46। तो आप देख सकते हो ये आपको कितना आ जाएगा, 356, और ये कितना आ जाएगा, 654, राइट, माइनस में 3x इज इक्वल टू माइनस में 46। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो आपको आ जाएगा 352। कैसे, ध्यान से देखो, ये
1000 के आसपास पहुंच रहा है, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 300 के आसपास। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये तो पॉसिबल भी नहीं था। तो ध्यान दे, हमसे एक NH का पूछा गया इसलिए आंसर 352, 3 NH का पूछता तो फिर ये हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है बेटा, सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O आपको गिवन था, राइट, और उसके बाद इन सब की बॉन्ड एनर्जी भी गिवन था, रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है। तो ये देख करके बच्चे डर जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो बोला है वो लिख दो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो N2O, उसका 1 मोल कर देना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन N2, एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो 1/2 O2। इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी गिवन है डेल्टा H फॉर्मेशन, डेट इज हाउ मच 82। बस ये ध्यान रखना, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, फॉर्मेशन N2O का माइनस, इनका तो जीरो हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि नेचर में ये ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप इससे भी तो निकाल सकते हो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बॉन्ड एनर्जी से निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कौन है, नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N वाला चाहिए, एक ही चाहिए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N का गिवन है 946, प्लस ऑक्सीजन का हाफ चाहिए, O डबल बॉन्ड O का हाफ, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1/2 है, तो आपको 498 का हाफ करना पड़ेगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 498, ये हो गया माइनस। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपको गिवन है 418 प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 607। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 946 प्लस ये कितना हो जाएगा 249 और माइनस ये 1025, राइट। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 170। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आना चाहिए, 170 अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, आपको कितना मिला है 82। तो ये जो गैप है, ये गैप ही आपका क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी से ऑलवेज एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इन दोनों का गैप, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, माइनस में 88, तो आवर आंसर विल बी ए। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा एच एटम लिख देगा, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। अगेन मैं आपको वही बोलूँगा, आप डिफिनेशन पे ध्यान रखें, डिफिनेशन अगर आपका पक्का है तो फिर इस चैप्टर में गलती नहीं होगी। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस का लेना है, ध्यान दें कितना, 1 मोल, और रिएक्टेंट साइड में रहेगा, कन्वर्ट करना इनटू आइसोलेटेड गैस एटम में, आइसोलेटेड होना चाहिए एकदम बिल्कुल, अब उसका किसी से कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, एंड गैस फेज में लेके जाना है, और इंडोथर्मिक होगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी ध्यान रखना ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का 1 मोल लिया हमने, उसको ब्रेक किया तो 2H मिलेगा, राइट। तो ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया, बाय द वे वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 के बराबर भी हो गया यहाँ पे, राइट, और वही क्या हो जाएगा, 2 times ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H के बराबर भी हो जाएगा। डैट मीन्स इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी होगी, जो भी डेल्टा H इस रिएक्शन का होगा, वही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 के बराबर होगा। ध्यान देना, H2 के बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H का 2 times, क्योंकि आगे नंबर 2 है, तो वही है, अगर डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सब इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, इसका 1 मोल PH3 का लिया, तो इसको आपने P और 3H में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल इसके एटम में, राइट, कन्वर्ट इनटू आइसोलेटेड गैस एटम, 1 मोल लिया आपने, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ PH3, रिएक्टेंट के बारे में बताएंगे, और वो बाय द वे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 PH बॉन्ड की एनर्जी को ब्रेक करने के बराबर है, तो 3 times ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ PH। जो कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को बॉन्ड एनर्जी के बराबर मान लेते हैं, ऑलवेज ऐसा सही नहीं है, कहीं पे हो भी सकता है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे 3 times के बराबर है ये, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। सिमिलरली कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 मोल सब्सटेंस के लिए कन्वर्ट किया आइसोलेटेड, तो इसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन
सॉलिड का बोलेंगे, रिएक्टेंट का बताते हैं, और यही इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होगा क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस भी होगा क्योंकि ये आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हैं। और इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन और फॉर्मेशन सबके बराबर होगा। तो वही चीज़ें अगर डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो आप इक्वल करते जाएंगे, डिफिनेशन पर ध्यान रखना है। इस पर बेस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड का अगर एक्स है और बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन का वाई है तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान देना कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड है तो उसको कहां ले जाना है, 2Br में, लेकिन कैसे, यहां ध्यान से देखो, आइसोलेटेड गैस एटम में, तो ये कैसे जाएगा, तो पहले तो इसको Br2 गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज वेपोराइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर यहां से आप दोगे तो आपका ये, तो ये एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला था कि आपको गैस फेज में उसको ब्रेक करना है, ये ध्यान देना था, पॉइंट नंबर 3 हमने लिखा था, तो गैस फेज में ले जा करके ब्रेक करेंगे तब उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है एक्स और ये है आपका सिर्फ इतना वाई, तो डेफिनेटली एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई, तो ऑप्शन सी। इस टाइप के सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए PYQ में, इसलिए ध्यान रखना है डेफिनेशन पे बेटा। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में बस इतना ही है, और अगर आप इसको अच्छे से कर ले तो सारे PYQ कर ले तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। थैंक यू।